प्रिय दोस्तों, आज की ये वीडियो उन पुरुषों के लिए है जिनका शस्त्र ढीला और कमजोर है और वह पतला और छोटा हो गया है और उनकी पत्नी या प्रेमिका उनसे खुश नहीं रहती है। ढीलेपन के कारण कई बार तो शस्त्र अंदर भी नहीं जा पाता है। ऐसे हालात में पुरुष कुंवारी लड़की के साथ तो संपर्क कर ही नहीं सकते है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए कुछ खास घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ कि जिसका इस्तेमाल करके आप इन सारी समस्या से छुटकारा पालोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और खास बात की वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा और सरसों के तेल के प्रयोग से शस्त्र को मजबूत, लंबा और मोटा करने का एक बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा जेल आपको मार्केट से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप एलोवेरा जेल को इसके पौधे से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल मिला ले। दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर ले। अब एक साफ और सूती कपड़ा ले और कपड़े की चौड़ाई अपने शस्त्र की लंबाई के अनुसार रखे। अब इस पेस्ट को सुपारे को छोड़कर बाकी पूरे शस्त्र पर अच्छी तरह से लगा ले और ऊपर से ये कपड़ा पट्टी की तरह बांध दे। लगभग 30 मिनट तक इसे ऐसे ही बंधा रहने दे। उसके बाद इस पट्टी को खोलकर हल्के गर्म पानी से अपने शस्त्र को धो ले। दोस्तों, ऐसा अगर आप 10 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो आपका शस्त्र बेहद मजबूत, लंबा और मोटा हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, अगर आप एक बार अपनी रसोई घर में देख ले तो आपको आपकी सभी समस्या का इलाज मिल सकता है। सिर्फ आपको तरीके आने चाहिए और ये तरीके बताने के लिए हम आपके लिए रोज नए वीडियोस लाते हैं ताकि आप हमेशा सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।